नमस्ते, गुड इवनिंग। और हमारे शाम के इस सफाई के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुझे यकीन है आप सब लोग रोज सुबह हमारे ध्यान के सत्र में शामिल होते हैं और उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। ये सफाई या शुद्धिकरण, रिजुविनेशन, क्लीनिंग, जो हम शाम को करते हैं, ये करते क्यों हैं? क्या सुबह का ध्यान पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त तो है। ध्यान अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही साथ ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये उसकी इफेक्टिवनेस में, उसके प्रभाव में और बढ़ोतरी कर देती है। ये उसका एक पूरक अंग है। जैसे हम सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा अंदर लेते हैं और अशुद्ध हवा छोड़ते हैं। खाना खाते हैं तो हम पोषण अंदर लेते हैं, लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अशुद्ध चीजें हैं, उनको उत्सर्जित भी करते हैं। जैसे हम अपने बगीचे में, खेत में खाद डालते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो खरपतवार है, अनचाहे पौधे हैं, उनको हटाने के लिए निंदाई भी करते हैं। तो इस तरह जैसे जहाँ हम ध्यान में अपने आप के साथ संपर्क बनाते हैं, अपने अंतर्मन को पोषित करते हैं, एक नई ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वैसे हम इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपने आप को अनावश्यक भावनात्मक बोझ से, दिन भर जो हमारे मन पे पड़ी हुई छापे हैं उनसे, हमारे मन की अशुद्धियों से, जटिलताओं से मुक्त करते हैं। और फिर इस खाली रिसेप्टिव मन को हम ध्यान की प्रक्रिया से पुनः भरने के लिए, और गहराई से पोषित करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए और अच्छा उपयोग कर पाते हैं। तो अभी हम सफाई की प्रक्रिया ये जो शुरू करेंगे, इसमें हम उसी प्रकार बैठेंगे जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, कंफर्टेबल होके, जिस आसन में आप आधा घंटा कंफर्टेबली बैठ सकें वैसे बैठें, कुर्सी पे बैठें, पालथी लगा के बैठें, एक शांत वातावरण अपने लिए सिलेक्ट कर ले जहां आप डिस्टर्ब ना हो। आंख बंद करके हम बैठेंगे और साथ में हम ये प्रक्रिया करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम यहाँ से सफाई से संबंधित सुझाव आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप आंख बंद करके मन ही मन अपनी विचार शक्ति का, इच्छा शक्ति का प्रयोग कर अपने अंतर मन को साफ करने के लिए हमारे साथ चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। आराम की स्थिति में आ जाएं। रिलैक्स हो जाएं। आज हम मानसिक रूप से अपने पूरे तंत्र से, सिस्टम से अशुद्धियों को, जटिलताओं को,
साफ करने वाले हैं। सारी अशुद्धियां, जटिलताएं हमारे तंत्र से निकलती जा रही हैं। ये विचार लें, ये पीठ की ओर से निकलती जा रही है। पूरी पीठ से, सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले मनके तक, सारी पूरी पीठ से निकलती जा रही है। ये सुझाव दें, ये सारी अशुद्धियां धुएं के रूप में या वाष्प के रूप में पीठ की ओर से निकल रही हैं। इस विचार पर बने रहें। सौम्यता से बने रहें, लेकिन सक्रिय रूप से बने रहें। यदि मन में दूसरे विचार आए तो हल्के से अपने मन को फिर से सफाई की प्रक्रिया की ओर ले आए। आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। किसी विशेष घटना या ऐसी बात जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, उस पर विशेष ध्यान ना दें। बल्कि उसे भी सभी अशुद्धियों के साथ सहजता से निकल जाने दें।
सारी जटिलताएं। पीठ की ओर से निकलती जा रही है। धुएं के रूप में या वाष्प के रूप में। निकलती जा रही है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। धीरे धीरे प्रक्रिया में तेजी लाएं। जैसे जैसे अशुद्धियां निकलती जा रही हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता जा रहा है। जैसे जैसे जटिलताएं निकलती जा रही हैं, हमारा हृदय सरल होता जा रहा है। हृदय में हल्कापन महसूस करने का अर्थ है कि आप मूल स्रोत से जुड़ गए हैं। मूल स्रोत से पवित्र धारा। सामने की ओर से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है।
आपके हृदय को भर रही है। बची कुछ अशुद्धियों को, जटिलताओं को साफ कर रही है। ये पवित्र धारा पूरे शरीर में हर कोशिका में फैल रही है, बह रही है। उसे शुद्ध और पवित्र बना रही है। हमारा पूरा शरीर, पूरा तंत्र शुद्ध हो गया है। पवित्र हो रहा है।
मूल स्रोत से आती हुई वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में हर कोशिका में हर कण में व्याप्त हो रही है। और उसे पवित्र बना रही है, शुद्ध बना रही है। हमारा पूरा शरीर, पूरी सिस्टम बिल्कुल शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है। जैसे दिव्यता का घर बन गई है, इस विश्वास के साथ कि हमारी सफाई संपूर्ण हो गई है। धीरे से अपनी आंखें खोलें। और खुली आंखों से अपने हृदय की शुद्धता को, सरलता को, हल्केपन को महसूस करें। ये प्रक्रिया हमें हमारा बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ एक बहुत फ्रेश मन से बिताने के लिए तैयार करती है। इस हल्केपन के साथ हमारी नींद की क्वालिटी बदल जाती है और अगले दिन सुबह के ध्यान के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, अपने हृदय के उस दिव्य उपस्थिति से मिलने के लिए हम फिर तैयार हो जाते हैं। हमें आशा है, यकीन है, या आप सुबह के हमारे सत्र में भी अवश्य शामिल होंगे और शाम के इस सफाई के सत्र में शामिल होकर इस पूरी प्रक्रिया का अधिकाधिक लाभ लेने का
इस रूपांतरण की यात्रा का पूरा बेनिफिट लेने का मौका आप अवश्य लेंगे। तो इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम इन सत्रों का लाभ ले रहे हैं, उस तरह यदि आपके मन में ऐसे कोई ख्याल आते हैं कि आपके साथ के लोग, आपके परिचित रिश्तेदार, साथ काम करने वाले, वो भी इन सुबह और शाम के सत्रों से लाभान्वित हो सकते हैं, तो उन्हें भी जरूर आमंत्रित करें। इस साथ आगे बढ़ने की यात्रा में, अपनेपन की यात्रा में हम सब साथ हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।